हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार मैं बताऊंगी कि सावन सोमवार कब कब पड़ रहा है और धन प्राप्ति के लिए क्या करें और कैसे महादेव को प्रसन्न करें। शिव के प्रिय महीने में सावन भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती है। इस बार सावन 2024 में कब शुरू हो रहा है इसके बारे में मैं बताऊँगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन पूरे एक महीने तक भगवान भोलेनाथ धरती पर निवास करते हैं, इसलिए सावन में शिव जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व, खासकर सावन के हर सोमवार के दिन। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार से शुरू हो रहा है। इसका समापन 19 अगस्त 2024 सोमवार को होगा। साल 2024 में सावन की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही सोमवार से ही हो रही, जिसका महत्व दो गुना बढ़ जाता है। इस बार 2024 में 5 सोमवार होंगे और 4 मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। शास्त्रों में वर्णन है कि जब चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तब महादेव की सृष्टि का पालन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन चतुर्मास का पहला महीना होता है, जिसके अधिपति शंकर जी इस दौरान भोलेनाथ पृथ्वी पर अपने भक्तों को कष्टों को दूर करते हैं। कंडे ऋषि ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था, जिससे उन्हें दीर्घायु का वरदान मिले। यही कारण है कि सावन में भक्तों को भगवान हर कष्टों से मुक्ति देते हैं। सुख समृद्धि, सफलता, लंबी आयु, धन दान, सुखी वैवाहिक जीवन, अपना मन वांछित इच्छित वर की प्राप्ति, अकाल मृत्यु से व्यक्ति को मुक्ति भी मिलती है और जन्म मरण से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सावन में सोमवार व्रत शुरू करने का विधान है। इसके अलावा इस महीने के हर मंगलवार को भी विशेष महत्व है। सावन के मंगलवार भोलेनाथ की शक्ति माँ गौरी को समर्पित उन्हें मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। इस दिन विवाहित पति की सलामती और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए व्रत रखती। शिव पुराण के अनुसार शिव जी की पूजा शाम के समय श्रेष्ठ मानी जा गई है। वैसे तो सावन में शिव पूजा हर दिन श्रेष्ठ है, लेकिन सावन सोमवार के दिन कुछ खास है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सफ़ेद व्रत धारण करें, फिर सफ़ेद शिव का धारण कर और शिव जी के प्रिय रंग का आप वस्त्र पहने। घर के मंदिर में साफ सफाई कर तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें और एक बेलपत्र अर्पित करें। तांबे या चांदी के लोटे से जल चढ़ाएं। पंचामृत से अभिषेक, अभिषेक के समय निरंतर महामृत्युंजय का व्रत जप करें। घर के शिवलिंग पर अक्षत फूल, धतूरा, सफ़ेद चंदन, गुलाल, अबीर, इत्र, समी पत्र चढ़ाएं। पार्वती जी की पूजा करें। खीर, हलवे, बेल के फल का भोग लगाएं। घी का चौमुखा दीपक जलाएं। शिव चालीसा का पाठ करें। शिव की जी की आरती करें। शिव सावन में क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में। सावन में दाढ़ी मूछ बाल नहीं कटवाना चाहिए। भूल कर भी सावन में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। सावन में बैंगन, दूध, दही, हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। सावन में ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गुस्से पर काबू रखें, बुरे विचार मन में ना लाए। सावन सोमवार के व्रत के दिन व्यक्ति को स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को, दूसरा सोमवार 29 जुलाई को, तीसरा सोमवार 5 अगस्त को, चौथा सोमवार 12 अगस्त को, 19 अगस्त को है। सावन सोमवार की पूजा में शिव जी भूल कर भी धतूरे का फूल ना चढ़ाएं। ऐसा सावन सोमवार के दिन किया है। सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से महादेव अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। सावन सोमवार में सुबह स्नान करके शिव मंदिर में जाए या शिव भगवान का जले अभिषेक कर उन्हें काले तिल अर्पित करें और मंदिर में कुछ देर बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करें। नदी या तालाब जाकर आटे की लोइयां मछलियों को खिलाएं। यह काम करते हुए मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनसे धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। विवाह में अगर रुकावट आ रही है तो शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध जरूर चढ़ाएं। बैल को हरा चारा खिलाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि और मन प्रसन्न है। गरीबों को भोजन कराने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती तथा पितरों की ही आत्मा शांत होती है। 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ ही एक मुखी रुद्राक्ष भी अर्पण करें, इससे सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक प्राश्चित जीवन जिया। इसके बाद उनका जन्म हिमालय राज्य के घर माता पार्वती के रूप में। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे सावन महीने में कठोर तपस्या की। इससे खुश होकर शिव जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण करी। माता सती को माता पार्वती के रूप में फिर से पाकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न। तभी से सावन सोमवार का महीना उनका प्रिय महीना है।
सावन महीने में अक्षत का दान बहुत फलदायी माना जाए। शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार की पूजा में एक मुट्ठी अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ ही जरूरतमंदों को चावल दान के, इससे तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। काला तिल शिवलिंग पर दोनों शनि और शिव जी और शनि जी को दोनों को प्रिय तथा सावन का सोमवार के दिन एक काले तिल आपको चढ़ाना चाहिए, इससे शनि के दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण के अनुसार नमक का दान करने से बुरा समय दूर हो जाता है और घर में सुख समृद्धि है। शास्त्रों में नमक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। चांदी संतान प्राप्ति के लिए आपको चांदी का सर्प या चांदी की कोई वस्तु दान करनी चाहिए, नहीं तो इससे काल श्रव दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। दूध के साथ मिश्री चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो चीनी का इस्तेमाल कर गई। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पे दूध और मिश्री चढ़ाने से भोले बाबा किस तरह हम पे प्रसन्न होते। माना जाता है कि प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर मिश्री वाले दूध चढ़ाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। शिवलिंग में मिश्री और दूध चढ़ाने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति। माना जाता है कि शिवलिंग के में दूध के साथ मिश्री से घर में सुख समृद्धि संपदा का वास होता है। सोमवार के दिन मिश्री युक्त दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और समृद्धि है। शिवलिंग पर दूध में मिश्री मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का दिमाग तेज होता है और एकाग्रता बढ़ती है। सोमवार के दिन मिश्री युक्त दूध चढ़ाने से बच्चों का दिमाग तेज होता है, हर इच्छा पूरी हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर दूध मिश्री चढ़ाने से शुभ समृद्धि की प्राप्ति हो। शिवलिंग पर दूध और मिश्री चढ़ाने के एक लोटे में दूध में थोड़ी सी मिश्री मिल डालकर रख ले। इसके बाद शिव मंत्रों का जाप करते धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ा और शुद्ध जल से उनका अभिषेक जरूर करें। शिवलिंग पर रोजाना दूध चढ़ाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से आपको शनि देशों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर अगर गेहूं चढ़ाया जाए तो सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर आपको दूध दही घी मधु शक्कर और पंचामृत से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। उसके बाद षोडश उपचार से पूजन करना चाहिए और महादेव को त्रिपुंड लगाना चाहिए। भस्म से अपनी श्रद्धा अनुसार महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए और महादेव के सम्मुख बैठकर महादेव के मंत्रों का जाप करना, इससे आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।